आज खाने में क्या बनाओगी? अम्मी आज खाने में क्या बनाओगी? अम्मी आज खाने में क्या बनाओगी? अम्मी आज खाने में क्या बनाओगी? बिरयानी बनाऊंगी अच्छी, बिरयानी बनाऊंगी अच्छी। आहा, बिरयानी मुझे बहुत पसंद थी, पर शायद अब नहीं है। नहीं नहीं, आप बनाओ, और हाँ थोड़ा बढ़ा के बनाना। हाँ हाँ, आपको अपने व्यूवर्स को भी तो खिलाना है, और सुनो थोड़ी ना उसमें जहर डाल देना, ताकि इस दुनिया को उन व्यूवर से छुटकारा मिले जो इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं। ओ गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर ब्लॉग सब आपका साहिल। झिंग टपाक डम डम, तो मैं आ गया हूँ वापस आप लोगों को फिर से हंसाने और उन बाहियात बेशरम क्रिएटर्स की बैंड बजाने जो बिना मतलब के मार्केट में पता नहीं क्यों फेमस हो रहे हैं। आज के स्टूडियो में आप सुनने वाले हो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही नाम, डेंजर नानी, क्योंकि इन्होंने किया है कुछ ऐसा ही काम। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, कहीं हो ना जाए शाम। कितनी वाहियात शायरी मारी यार मैं। मम्मी नानी इतनी टेंशन में क्यों बैठी है? अम्मी नानी इतनी टेंशन में क्यों बैठी है? अम्मी नानी इतनी टेंशन में क्यों बैठी है? अरे यार, इन्हें कोई बताओ कि डेंजर नानी इसीलिए टेंशन में बैठी हुई है क्योंकि तुम लोग उनके आखिरी समय में भी उनसे पता नहीं क्यों क्रिंज क्रिंज और इतनी वाहियात वीडियोस बनवा रहे हो। अरे अब तो उन्हें चैन से मरने, बैठने दो। अम्मी आपको काय का टेंशन हो रही है? सलमान की शादी का टेंशन है, सलमान की शादी का टेंशन। नहीं भाई, सलमान खान के माँ बाप नहीं है ना, उनके परिवार में से कोई है। सलमान खान को खुद अपनी शादी की जितनी टेंशन नहीं है ना, उतने इस देश को है। और अब तो ये डेंजर नानी को भी टेंशन होने लगी है सलमान भाई की शादी की। पर इस बीच मेरा मानना ये कि डेंजर नानी को एक बार सलमान खान के घर पे रिश्ता भेज ही देना चाहिए। क्यों, गलत कहा मैंने? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बेटी की बेटी की बेटी की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने क्या सोचा था वैसे? सलमान खान मुड्डा हो गया, जल्दी शादी कर ले, शादी का टाइम है, कर ले शादी। अगर सलमान खान बुड्ढा है तो फिर आप क्या है, बूढ़ियों की बूढ़ी? क्योंकि आप सलमान भाई से 200-300 साल तो बड़े जरूर होंगी। सलमान खान बुड्ढा हो गया फिर भी उसके पास शादी करने का टाइम है? ये टाइम वाइम की बात ना आप रहने दो, क्योंकि आपका इतना टाइम हो गया, आपको कब का चल जाना चाहिए था। मैं आराम करने के जाने की बात कर रहा था, रेस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट इन बेड। शायद इतना गंदा रोस्ट होने के बाद अब सलमान भाई कभी शादी ही नहीं करेंगे। बेचारे सलमान भाई। मम्मी देखो अपनी इंस्टाग्राम पे रील कितनी वायरल हो गई है। अम्मी देखो इंस्टाग्राम पे जो रील डाली थी वो अपनी कितनी वायरल हो गई, अपन बहुत फेमस हो गए। अम्मी देखो अपन ने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी कितनी वायरल हो गई, अपन फेमस हो गए। अम्मी देखो अपने इसमें कितनी वायरल हो गई है अपने फोटो। मैं भी देख रही हूँ, मुझे परेशान मत कर। काफी ज्यादा फेमस हो गए, रील्स पे मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, पर यहाँ पर तो फेमस हो गए, काफी ज्यादा व्यूज बढ़ो रहे हो, काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हो, पर वहाँ क्या करोगे? अम्मी सच में इनको वीडियो शुरू करने से पहले कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहें करके एक बैनर लगाना चाहिए। भाई इतनी सैतानी हंसी को देखकर, इस जल्लाद से चेहरे को देखकर बच्चे रातों को सोना भूल जाएंगे यार, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। जल्लाद से चेहरे को देखकर बच्चे क्या बड़े भी डर जाएंगे, जैसे मैं डर गया था। कट कर देना, गलती सच बोल दिया। आगे बाड़े, आगे बाड़े, आगे बाड़े, आगे बाड़े, आगे। अगर किसी का बर्थडे हो और गलती से आपने इस नानी से बर्थडे विश करवा दिया तो वो उस शख्स का आखिरी बर्थडे होगा। असल में मेरी मानो तो इन लोगों के पास ना कोई कंटेंट है और ना रील बनाने का तरीका, बस अगर कुछ है इनके पास तो वो है इन भयानक नानी की डेंजर हंसी। पता नहीं क्यों इनके व्यूवर्स इस हंसी के पीछे ही पागल हो रखे हैं। मम्मी बिरयानी बन गई, अम्मी बिरयानी बन गई, अम्मी बिरयानी बन गई, अम्मी बिरयानी बन गई, बन गई, ला दो ला दो, मैंने बनाई, खा लो। मैंने बनाई, खा लो, मैंने बनाई, खा लो, सब खा लो,
मैंने बिरयानी बनाई, सब खा लो सब खा लो। ओ गाइस, फाइनली इन्होंने बिरयानी बना ली है, और जिस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा सर्व कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सच में इसमें जहर मिला दिया है। जाओ जाओ उनके व्यूवर्स, जाओ बिरयानी खाओ और डेंजर नानी की हंसी के लुफ्त उठाओ। बाकी मेरे व्यूवर्स को पता है कि यहाँ पर क्या करना है। हाँ, जो हमेशा करते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो हाँ गाइस, दिस इज फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यू आर द वंडरफुल ऑडियंस, तब तक के लिए बाय, ये लो मेरा सैल्यूट। लाइक करो इस वीडियो को और फिर से रिवॉच करो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय।